लंबे समय से अविकसित अवैध कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं से वंचित कॉलोनी को बड़ी सौगात मिली है। विधायक निधि द्वारा 10 लाख रुपए से निर्मित होगी सड़क का भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया एवं सभी नगर पालिका परिषद के पार्षदगण, सभापति एवं समस्त नगर निवासी महिलाएं पुरुष भूमि पूजन में सम्मिलित हुए। निरंतर काम कर रहे हैं, विकास का सौगात देना हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। विकास करना हमारा शौक है, हमारा जुनून है, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है और जनता का अधिकार है विकास मांगने का। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से हमको विधायक निधि दे रखी है और मैं लगातार अविकसित कॉलोनी में, अवैध कॉलोनियों में लोगों की मांग पर ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में मैं विकास की अवधारणाओं को सुनिश्चित करता हूँ। आज हम अशोकनगर में है, ये अशोकनगर अविकसित कॉलोनी है और मंदसौर की बहुत पुरानी कॉलोनी है। और तब मैं इलेक्शन के दौरान आया था नगर पालिका के, तब यहाँ के लोगों ने मुझसे मांग करी थी तो उसको लेकर मैंने सीमेंट कॉन्क्रीट की और पाइपलाइन का भी मैंने पहले पैसे दिया, करीब 1.5-2 लाख रुपये, अभी 8-10 लाख रुपये दिए। और नगर पालिका अध्यक्ष जी भी मेरे साथ में है, सभापति लोक निर्माण समिति की भी मेरे साथ में है और पूरी परिषद मेरे साथ है। पूरे शहर को जिस प्रकार से हमने बहुत खूबसूरत ढंग से, बहुत जिम्मेदारी से परिपूर्ण किया है विकास के मामले में, विकास के मामले में हम शून्य पे नहीं है, विकास के मामले में हम शिखर पर हैं। हम तो नई नई बातें अब ढूंढने की और खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही मेरी कलेक्टर से चर्चा हुई है, दिलीप यादव जी से, हमने दोनों ने मिलकर के चर्चा की कि पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर का जो कैफेटेरिया है और जहाँ पर हमारे करीब 12-13 कमरे हमने जन सहयोग से बनवाए थे, विशेष करके हमारा जो जगह सीमेंट फैक्ट्री थी मंदसौर और नीमच जिला एक था, तब CSR फंड में सुखा किया था, नीचे पानी भरा हुआ है, घाट बना हुआ है। हम दोनों चर्चा कर रहे थे कि इसको एक संकल्प पारित करेंगे, हम प्रस्ताव लाएंगे और हमने कलेक्टर ने बातचीत करी है, आगे बढ़ाया है। कलेक्टर जो हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग है, वो पर्यटन विभाग को हम वो लीज पर दे देंगे, हमको दे देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो होटल भी मेंटेन करे, रूम्स भी मेंटेन करे और मोटर बोट लाए तो मोटर बोट भी नीचे चलाए, ताकि पशुपतिनाथ जी के मंदिर के घाट के पास में जो पर्यटक आएंगे, सैलानी आएंगे, लोक परिसर की हम कल्पना कर रहे हैं। तो कलेक्टर से जब मेरी चर्चा हुई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा प्रस्ताव बनकर के राज्य शासन को जा रहा है और पूरा आपने देखा होगा कि कैफेटेरिया वीरान पड़ा हुआ है, तो हम क्यों नहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे दें, मध्य प्रदेश की सरकार की जो टूरिज्म होटल चलाते हैं हम उनको दे देंगे, ताकि आम के आम हो जाएंगे, गुट्टे के दाम हो जाएंगे, हमारी मेंटेन भी हो जाएगी और नीचे अगर मोटर बोट चलाना चाहे तो मोटर बोट भी चलेगा। तो हम तो निरंतर कुछ ना कुछ चिंता करते रहते हैं। आज हम सुबह भी कार्यक्रमों में थे अध्यक्ष जी के साथ, अभी भी कार्यक्रमों में है। विधायक निधि तो वो छोटी सी है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी के पास विकास के बड़े आयाम है, बड़ा बजट है, 4 अरब रुपये का बजट है नगर में, नगर का 400 करोड़ रुपये का। हम सब मिलकर के साथ साथ काम कर रहे हैं और जनता शायद हमसे ही करवाना चाहती है, हमारी भाग्य में लिखा है ये सेवा का संकल्प और सेवा का प्रकल्प, इसको हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 33 में हमारे सम्मानीय विधायक जी द्वारा जो भूमि पूजन किया गया है और नगर पालिका ने भी ये रोड, क्योंकि 3 मीटर के आसपास छूट रहा था तो उसमें नगर पालिका का भी सहयोग है कि आसपास रोड बन जाए और नालियाँ भी बन जाए, ऐसे आज वार्ड क्रमांक 33 को सौगात मिली है और हम सब सेवा का संकल्प लेकर आए हैं और सेवा कर रहे हैं और हम सब पूरा हमारा नगर पालिका परिषद परिवार और माननीय विधायक जी को और मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ इस वार्ड के सभी जनों को कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी को जो लाभ मिलना चाहिए जन से वो मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वार्ड क्रमांक 33 का भूमि पूजन किया गया है जिससे मैं और विधायक जी को, मैं और मेरी नगर पालिका टीम विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है। इसी प्रकार विधायक जी हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। मंदसौर से PT बैरागी की ये रिपोर्ट।